हेलो। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? सारे लोग बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ भाई, सोहेल का मैसेज हमारे सबसे पहले आता है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, सारे लोग आ गए क्लास में, एंटर हो गए। चलो ठीक है, अब चलो सर कार्यक्रम को जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल वाले लेक्चर में क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बता दे बेटा, क्या प्रीवियस लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो, फटाफट बताओ बेटा। नो सर, नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, अब देखो सर, कल के लेक्चर को हमने जहां पर फिनिश किया था, कल के लेक्चर को जहां पर हमने एंड किया था वो था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड के निर्माण की जो विधियां हैं उन विधियों पर हमने बेटा उसको क्या किया था, फिनिश किया था। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग उसके आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जो है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं ताकि आप बच्चों को कोई दिक्कत फेस ना हो। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने लास्ट में जहां एंड किया था वो पॉइंट था नाइट्रिक एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में हम लोगों ने बताया था कि सर आपके पास क्या होता है, एक तो ओस्टवाल्ड मेथड होता है और दूसरा जो है वो बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है उसमें अमोनिया का एक कैटलिस्ट प्लेटिनम गोज की प्रेजेंस में अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। टेम्परेचर वहां पर 500 केल्विन लिया जाता है और प्रेशर 9 bars वहां पे लिया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि हमें ऑब्टेन होता है NO। बट इन केस ऑफ बर्कलैंड आइड प्रोसेस वी यूज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क सो दैट वी ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड NO। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप जो है वो दोनों का क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। बट इन सेकंड स्टेप अपन क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा NO2 में। NO2 जो होता है वो एक अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। आप लोग उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो वो हमें डिस्प्रोपोर्शन रेडॉक्स प्रोवाइड करता है और हमें मिलता है HNO2 एंड HNO3। HNO3 इज डिजायर्ड प्रोडक्ट, बट HNO2 क्या है सर, एक बाई प्रोडक्ट है। HNO2 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO2 जो है वो इटसेल्फ खुद में किस में चला जाता है, HNO3 एंड NO में चला जाता है। जो NO यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो फर्दर आगे जो है वो रिएक्शन में यूज हो जाता है, फिर से उसको हम लोग बी स्टेप में ले जाते हैं और NO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। क्लियर है? यहां तक बेटा अपनी बात हुई थी और आप लोगों का कहना है कि यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे जो है वो हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी रीडिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो पॉइंट है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कहते हो कि आप लोगों का ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनना बच्चों क्या बोला बेटा, आप लोगों का ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस जो होता है, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है, बट वहां पर वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो दैट एनसीईआरटी बोलता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आप लोगों को क्या मिलता है, तो अपन कहते हैं 68% बाई मास HNO3 क्या होता है, ऑब्टेन होता है। कितना होता है, 68% बाई मास। आप लोगों ने ना सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े होंगे, सांद्रता इकाइयां पढ़ी होंगी, उसमें आप लोग एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हो परसेंटेज, परसेंटेज मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास बाई वॉल्यूम, वो आप लोग पढ़ते हो, याद आ रहा होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड परसेंटेज वी बाई वी, याद आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उस पर डिस्कशन करना क्या है, एक बेमानी सी बात होगी। ठीक है, तो चलो सर अपन क्या कहते हैं कि अगर ये होगा तो इसके साथ और क्या होगा, तो अपन कहते हैं कि सर 32% बाई मास, 32% बाई मास क्या प्रेजेंट होगा, तो अपन क्या कह देते हैं यहां पर H2O जो है प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ये प्रोसेस होता है, ये हमारा रिजल्ट होता है। बट अपन कह रहे हैं कि यार यहाँ पे H2O बहुत ज्यादा है, और H2O ज्यादा है तो H2O की अमाउंट को क्या करना है, कम करना है, और HNO3 की अमाउंट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बच्चों इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी क्या बोलता है
कि अगर वाटर को हटाना है मतलब वाटर निकालना है तो अपन यहां पर यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। और बच्चा लोग यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, कॉन्क H2SO4 जो है वो लिया जाता है। ठीक है, ये जो आपका कॉन्क H2SO4 होता है सर, ये यहां पर किसका काम करता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर, किसका काम करता है बच्चा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में आपका जो HNO3 है वो हो जाता है 98% बाई मास, 98% बाई मास HNO3, एंड साथ में जो आपको बेटा मिल जाता है वो ओनली 2% बाई मास H2O जो है वो यहां पे रह जाता है। क्लियर, ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस आपका बेटा यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी एक सिंपल सी बात लिखता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमें 68% बाई मास HNO3 जो है वो मिलता है और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से 98% बाई मास HNO3 में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और बच्चा वो कन्वर्जन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब अगली बात सुनना, अब अगली बात सुनना, अगले पॉइंट पर आता हूं। आप लोग बच्चा प्योर HNO3 ले लो, प्योर नाइट्रिक एसिड ले लो, प्योर नाइट्रिक एसिड को बच्चा आप लोग कहां पे रखोगे, रूम टेम्परेचर, कहां पे रखोगे, रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही बेटा अपन इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O, NO2 और साथ में क्या बना देता है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन को आप लोग नेम क्या देते हो सर, इट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन है। और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो एटम की फॉर्म में है और आप लोग जानते हो कि एटम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। सो दैट अपन यहां पर बोल सकते हैं कि सर ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है, ये कंडीशन आपके पास होती है, ये सारी सिचुएशन आपके पास होती है किसकी, HNO3 की, यानी कि नाइट्रिक एसिड की, किसमें, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में। क्लियर है, फोटो खींचिएगा, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचिएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, डन बेटा, चले आगे, चले गया, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट की बात को करते हैं। ध्यान से सुनते जाना, बात को समझते जाना कि क्या होने वाला है। सुनना भाई, देखो अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है वो HNO3 जो है उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो उसकी अपन यहां पर बात करते हैं और उसकी जो चर्चा है उस चर्चा को यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो सुनते जाना और बात को समझते जाना क्या होने वाला है। देखो अपन यहां पर बात करते हैं वेरियस कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनना अगला पॉइंट क्या है, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की विभिन्न प्रकार की जो सांद्रताएं होती हैं उन पर बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे एग्जामिनर हमसे बात कर सकता है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सर, आपको है ना बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, कौन सी, नंबर वन आपसे कहा जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ध्यान से सुन लेना भाई क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करेगा, जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करेगा आप लोग क्या बोलोगे, वो क्या होगा, 70% HNO3 होगा। क्या होगा, 70% HNO3 है वहां पर यूज किया जाता है। क्लियर, दूसरा बेटा वो यहां पर आप लोगों के साथ बोल सकता है कि आप लोग डाइल्यूट HNO3 की बात करो बेटा, तो डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या होता है, 20% HNO3 को वो क्या करेगा बेटा, यहां पर यूज करेगा। क्लियर, अगली बात अगर वो हमसे बोल दे कि सर वेरी डाइल्यूट, सुनते जाना भाई क्या बोल सकता है, वेरी डाइल्यूट HNO3 भी बोल सकता है। बच्चा लोग अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 बोलता है तो वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब होता है ओनली 6% HNO3 जो है वो आपके पास होता है। क्लियर, उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर वेरी वेरी डाइल्यूट,
वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 आप लोग यूज करते हो, एग्जामिनर अगर वेरी वेरी डाइल्यूट बोल देता है, इट मींस यहां पर ओनली 2% HNO3 जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये होती है इसकी वेरियस कॉन्सेंट्रेशन, जिसके बारे में आपको आइडिया रखना है कि कैसे कैसे होता है और कैसे नहीं होता। बी केयरफुल, बी अवेयर, क्या बोला, ये चार कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी जाती है। मोस्टली जो फर्स्ट थ्री कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, इसी पर क्या होती है, चर्चा होती है, इसी पर डिस्कशन होता है, इसी पर बातें होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो आप लोगों ने यूज करे हुए, ये जितने भी आप लोगों ने एसिड यूज करे हुए हैं, इन एसिड की जब रिएक्शन होती है तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। अपन क्या कहते हैं कि सर HNO3 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा कहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो अपन बात करेंगे। तो अगला जो हेडिंग है, प्रोडक्ट ऑफ HNO3, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट्स ऑफ HNO3 व्हेन इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यार यहां पे ना एक ही तरीके की कई रिएक्शंस हो जाती है। बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर याद ही नहीं रहता कि कौन सी गैस कब रिलीज हो गई और कब रिलीज नहीं हुई। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे कि कब कौन सी गैस रिलीज होती है, किसके साथ कौन सी गैस दे सकता है। याद रखना हमेशा एक बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, उनको आप SRP के बेसिस पे याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे याद रखिए, तो आपको याद रखना क्या हो जाता है मेरे बच्चों, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिएगा वन बाय वन बात करते हैं। नंबर वन, पहला केस, अगर आप लोग 70% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, 70% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कौन सी गैस आता है, NO2 गैस, हमेशा, ऑलवेज, किसी के साथ भी करवा दो, कौन सी गैस आती है बच्चों, ऑक्सीजन, सॉरी NO2 गैस आती है। NO2 गैस के बारे में आपने सुना होगा, इस NO2 गैस का जो कलर है वो कलर कैसा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, रेड ब्राउन कलर की गैस यहां से रिलीज होती है। कैसी होती है, रेड ब्राउन कलर की गैस जो है वो यहां से रिलीज होती है। किसी की भी रिएक्शन करवा दो, प्रोडक्ट यही देगा। बात पल्ले पड़ गई, जो रिएक्ट करेगा, जो नहीं करेगा उसकी तो बात ही नहीं करनी यार। कोई बच्चा कह देगा यार मास्टर इसने तो रिएक्ट नहीं किया, बता क्या होगा। अरे भाई रिएक्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बात खत्म। अगर रिएक्ट कर गया तो ये देगा, बात खत्म। क्लियर है, सिंपल है, आसान पॉइंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं सर। दूसरे पॉइंट पर वो बोलता है कि बेटा अगर आप 20% यानी कि डाइल्यूट HNO3 लेके आते हो, डाइल्यूट HNO3 लेके आते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो यहां पर दो प्रकार के बनते हैं। हम एक प्रकार के प्रोडक्ट को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। क्या, अपन कहते हैं कि जब डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाई जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और सबसे बड़ी बात, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बच्चों, ये कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस गैस होती है। क्लियर, सिंपल है ना, आसान है। अब देखो अगली बात सुनना, अपन यहां पर एक पॉइंट एड ऑन करेंगे, एक पॉइंट याद रखेंगे, इस ध्यान से सुनना। If reactivity of metal, ध्यान से सुनना बच्चों, जिस तरीके से लिख रहा हूं उसी तरीके से याद रखना। If reactivity of metal greater than hydrogen, अगर metal का reactivity hydrogen से ज्यादा है, metal का reactivity hydrogen से ज्यादा है, और आप लोगों ने क्या यूज कर लिया, डाइल्यूट HNO3 यूज कर लिया, तो बच्चा यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा गैस बनता है, NO2 गैस बन जाता है। प्रोडक्ट कौन सा बन जाता है, N2O गैस बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बन जाती है। क्लियर, ये गैस भी बच्चों कैसी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, कलरलेस होती है। कैसी होती है, कलरलेस होती है। बात पहले पड़ गई, याद रह जाएगा। देखो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या देते हैं, ऐसे याद रखेंगे, डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ सभी प्रोडक्ट क्या देते हैं, NO, लेकिन जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है वो प्रोडक्ट क्या देता है, N2O, याद रह जाएगा, सिंपल है, आसान है। चलो अगली बात करते हैं, नंबर थ्री पर चलते हैं। नंबर थ्री पर अपन क्या बोलेंगे कि सर 6% वेरी डाइल्यूट HNO3, 6% वेरी डाइल्यूट HNO3 यूज करते हो, तो यहां पर गैस निकलती है बेटा कौन सी, अमोनिया। कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस। अब देखो सर, अमोनिया गैस जो है वो क्या होती है, बेस होती है। अमोनिया गैस जो है वो कैसी होती है, आप जानते हो, बेसिक गैस होती है। अब देखो यहां पर HNO3 पड़ा है, HNO3 का प्रॉपर्टी, HNO3 का नेचर कैसा होता है,
तो आप लोग क्या कहते हो, HNO3 जो है वो एसिड होता है बेटा, यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इजी मोड में कर सकते हैं। मैं करना सिखा दूंगा एक एक करके क्वेश्चन, आप टेंशन ना ले। फोटो खींचे आप तो फोटो खींचे, क्वेश्चन करना भी सिखा दिया जाएगा। फोटो खींच लो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो बच्चों, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो मेरे बच्चों। डन डन हो गया बेटा, डन है। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर, अब ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। अब देखो सर, कौन 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 के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्या बोला बेटा, क्या बोला? ये तीन टाइप के प्रोडक्ट है, ये तीन टाइप के रिएक्टेंट है, तीन टाइप के प्रोडक्ट हैं, तीन टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहां पर मिल जाते हैं मेरे बच्चे। जब रिएक्ट करने जाएगा तो कौन करेगा और कौन नहीं करेगा उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब देखो, आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं। आपके पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं। अब उन मेटल में से कौन सा मेटल कब रिएक्ट कर जाए और कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, समझने की कोशिश करना। यहां पर अपन बात करते हैं रिएक्शंस, यहां पे अपन बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ HNO3। HNO3 की रिएक्शंस कैसे होती है और प्रोडक्ट कैसे बच्चा याद रख पाएगा, प्रोडक्ट बच्चा कैसे याद रख पाएगा उसकी अपन बात करते हैं। सुनना, नंबर वन क्या बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है और उसकी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। कोई भी मेटल ले लो जो आपका मन करे, उसकी रिएक्टिविटी क्या है बच्चा, हाइड्रोजन से ज्यादा, ठीक है? हाइड्रोजन से ज्यादा है। बात ये आती है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, किसी के साथ भी करवा लो। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर तीन कॉन्सेंट्रेशन है, मैं यहां पर लिख देता हूं एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, ठीक है सर? तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या रिएक्शन होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर रिएक्शन होगा। वेरी सिंपल, याद रह जाएगा सर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सारे के सारे नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्लियर है? नंबर दो पर अपन बात करते हैं कि अगर आपकी मेटल जो लेके आ रहे हो उस मेटल की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मेरे बच्चे हाइड्रोजन से क्या है, कम है, ठीक है? दूसरी बात, इसके साथ और किसको रखना है, पीबी को रखना है। क्यों? पीबी जो है उसका एसआरपी नेगेटिव होता है, बट काम ये पॉजिटिव एसआरपी की तरह करता है, ठीक है? तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि अगर ये लिया जाता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर वन क्या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर रिएक्शन होगी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी। दूजा, क्या डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर रिएक्शन होगी। सर तीसरा, क्या वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन कर पाएगा क्या, तो अपन क्या बोलेंगे कि यस सर रिएक्शन कर नहीं पाएगा। बात पहले पड़ गई, क्या बोला, पहला रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा, डाइल्यूट के साथ भी होगा, लेकिन वेरी डाइल्यूट के साथ नहीं होगा। तो याद रखना ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है? प्रोडक्ट आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं,
अब मैं वन बाई वन रिएक्शंस की बात करता हूं। सबसे पहले उन रिएक्शंस की बात करूंगा जो एनसीईआरटी में है और साथ में आपके एग्जाम्स में पूछी हुई भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार उस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पे याद रखूंगा। ये प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं, ये याद रखना मेरे बच्चों, कौन कब किसके साथ क्या देता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा खेल होने वाला है, यहीं पर खेल होगा, याद रखना इस बात को। तो वन बाई वन हम यहां पर प्रोडक्ट लेके चलते हैं और वन बाई वन जो है वो चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर वन, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, किसकी? जिंक की, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला रिएक्शन ही जिंक का है। मैं मोबाइल उठा लेता हूं, चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं और मेरे बच्चों आप लोग जो है वो बताते चलना, आप लोग बताते चलना। पहला पॉइंट, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है या कम है? पहला पॉइंट आप लोग ही बताएंगे, मुझे नहीं पता। ये मान लो मास्टर को नहीं आता, मास्टर बच्चों की हेल्प ले रहा है, मास्टर चीटिंग कर रहा है, कुछ भी मान लो, तो ये बताओ जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव मेटल? यस और नो, मोर या लेस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा बेटा, क्योंकि वो बेसिकली हाइड्रोजन के बारे में ही बात हो रही है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बेटा मार्क कर दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आपको याद है चीजें। बोलो बेटा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? फटाफट से चैट बॉक्स में अपडेट कर दो मेरे बच्चों, फटाफट से जल्दी करो यार, मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी ऐसे। तो एक आंसर आया है मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। और कोई? अरे हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया मैंने, हाइड्रोलिसिस में प्यारे बच्चों पढ़ाया मैंने, याद करो वो दिन। रोहित, मोर रिएक्टिव, बहुत बढ़िया। अरे हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया है, एम्फोटेरिक मेटल में भी मैंने पढ़ाया है, जब मैंने एनयूएच की रिएक्शंस पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, सब टाइम पढ़ाया है, बिल्कुल। जवाब अपडेट हो रहे हैं और जवाब आ रहे हैं कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मोर रिएक्टिव के, सभी बच्चों के जवाब क्या आ रहे हैं? मोर रिएक्टिव के। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा। इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा। अब सुनना, ध्यान से सुनना, अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन डाल दो बेटा, प्रोडक्ट क्या कर देगा? बना देगा। क्लियर? आ जाओ, पहला रिएक्शन हम यहां पे लेके चलते हैं। अगर बेटा मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे देता हूं, कौन सा? 70% वाला, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा? जिंक का नाइट्रेट, और साथ में गैस कौन सी निकलेगी वो तुम बता दो। बोलो भैया, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो गैस कौन सी देता है? अरे बस दो क्वेश्चन बता दोगे ना, उसके बाद तुम्हें याद हो जाएगा, बस तुम्हें सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। हाँ भाई, एक जवाब आया है NO2, एक जवाब आया है NO2, जल्दी बोलो, बाकी लोग बोलो NO2, बहुत बढ़िया। बच्चों का जवाब आया है सर यहां पर कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? NO2 गैस निकलती है, सिंपल है ना रिएक्शन। चलो अब अपन यहां पर एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो जिंक है, इस जिंक का रिएक्शन अपन कराएंगे बेटा किसके साथ? तो अपन ने कहा कि 20% वाले डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाता हूं तो सर ये इसके साथ भी रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या देता है? जिंक का नाइट्रेट। बोलो बच्चों यहां पर गैस कौन सी निकलेगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दो, गैस कौन सी निकलेगी? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ गैस कौन सी निकलेगी? भैया गैस है, गैस का काम है निकलना। शाहरुख ने लिखा है NO गैस, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो। एक बच्चे ने लिखा है NO गैस, बहुत बढ़िया। सही है गलत है ये तो बाद का मुद्दा है, सही है गलत है ये तो बाद का मुद्दा है। बाकी लोग टाइप करो भाई। हाँ बाकी लोगों ने लिखा है, एक ने लिया, बाकी ने लिखा है N2O, बिल्कुल। एक आंसर आया N2O, एक आंसर आया NO, बाकी लोग? अरे अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया था बेटा, पीछे वाली स्लाइड में बता के चला हूं यार, पीछे वाली स्क्रीन देखना, स्क्रीनशॉट पड़ा होगा आपके पास, देख सकते हो, नोट्स लिखे होंगे या स्क्रीनशॉट खींचा होगा, कुछ भी किया होगा बेटा, पड़ा है वहां पे। जल्दी बोलो, अरे यार फटाफट अपडेट करो। चलो ये बताओ कि डाइल्यूट HNO3 के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? NO गैस बनती है। लेकिन अगर मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, बिल्कुल। अब इस बार जवाब अपडेट हुए हैं तो अपन क्या कह रहे हैं कि गैस कौन सी निकलती है? NO नहीं बेटा, कौन सी? N2O। कौन सी निकल जाती है? N2O निकल जाती है। लास्ट एंड फाइनल,
सर जिंक की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसके साथ, तो आपने क्या बोला 6% 6% वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। बेटा जब यहां पर रिएक्शन होती है तो आप लोग क्या कहते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट से गैस टाइप कर दो भैया क्या बनेगा। यहां पर कौन है आपका, जिंक है, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक का नाइट्रेट और साथ में अमोनिया गैस निकलती है जो आगे चलकर क्या बना देता है, अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। क्या बना देता है, अमोनियम नाइट्रेट बना देता है। अरे बेटा सिखा रहा हूं, सीखो, क्योंकि पढ़ाने से काम नहीं चलता। मैंने पढ़ा दिया तुमने पढ़ लिया, सर ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बात पल्ले पड़ गई। अरे ये लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास में डिफरेंस कितना का है, कि बस इतना ही डिफरेंस है, पढ़ा सारा वैसे ही रहे हैं, सब कुछ वैसे ही समझा रहे हैं, वैसे ही आपसे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। बस फर्क क्या है कि पहले तुम यहां पर फिजिकली बैठे होते थे, आज क्या हो तुम घर बैठे हो, हम यहां बैठे हो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट है, हमारे बीच में ब्रिज है। क्लियर, बस इतना सा है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा रोहित प्रेक्षा फैसल जवाब दिया करो रे तुम भी। चलो अगली मेटल की बात करते हैं, अगली मेटल की बात करते हैं, कॉपर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। फटाफट बताओ, देखें फटाफट बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। हाँ भाई, कॉपर मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, मतलब मेरा नेट स्लो चल रहा है या फिर आप लोग स्लो हो रखे हो। हाँ भाई, एक आंसर आया है मोर रिएक्टिव, और लोग कॉपर की बात चल रही है बेटा। प्रेम, किसकी बात चल रही है बिटिया, कॉपर की बात चल रही है। रोहित ने लिखा है लेस रिएक्टिव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रेक्षा, सोयल, शाहरुख, लेस रिएक्टिव, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी जल्दी अपडेट करो। फैसल, जल्दी जल्दी अपडेट करो बेटा। तो अपन क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा प्रेक्षा, अपन क्या कह रहे हैं कि कॉपर जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन देख लो सर किस किस के साथ होएगा, इन दोनों के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाओ भैया वन बाय वन बात करते हैं। आप क्या बोलोगे, यहां पर तीन रिएक्शन हमें लेके चलनी है, तीन रिएक्शन जो है वो हमें लेके चलनी है। नंबर वन, सबसे पहले किसके साथ देखोगे बेटा, 70% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ देखोगे। दूसरा बेटा किसके साथ देखोगे, 20% डाइल्यूट HNO3 के साथ देखोगे मेरे बच्चे। तीसरा किसके साथ देखोगे, 6% वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सर पहला प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, अब बोलो सर गैस कौन सी निकलेगी, फटाफट बताओ। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसी के साथ भी रिएक्शन करता है, किसी के साथ भी रिएक्शन करता है, तो गैस कौन सी देता है बच्चों, फटाफट से बता दो। तो अपन क्या कहते हैं, कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे शानदार। अपन क्या कह रहे हैं कि अगर 20% वाले के साथ करता है, तो अपन क्या कहते हैं 20% वाले के साथ करता है तो NO गैस निकलती है, लेकिन मोर रिएक्टिव में क्या निकलती है, तो आप बोलते हो N2O। यहां पर देखो कम है रिएक्टिविटी, तो मेरे बच्चे तुम लोग क्या बोलोगे कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, प्रोडक्ट बनेगा NO गैस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO गैस। क्लियर सर, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि ये तो बेचारा रिएक्ट ही नहीं करता, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, इस बार आपने फटाफट जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलो सर अब ये बताओ कि इन रिएक्शंस के बारे में मैंने बताया है, तो क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, यस और नो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या आपको बात क्लियर हो गई, यस और नो, फटाफट से बता दो, क्या बच्चों को बात क्लियर हो गई, यस और नो, यस और नो, सबको क्लियर है बेटा, सारे लोग अपडेट करो आंसर, है ना, सारे लोग यस नो बताओ, यस सर क्लियर है, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बाकी लोग यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, जल्दी बताओ और लोग, बाकी लोग भी अपडेट करो यार। अरे कमेंट करने में भी तुम डर रहे हो यार, कमेंट करने में भी तुम डर रहे हो, शर्म आ रही है क्या। चलो बहुत अच्छे सर, चलिएगा फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फोटो खींचो आगे बढ़ जाते हैं।
हो गया बेटा? अरे डन तो बोल दो, अरे डन तो बोल दो बेटा। यार तुम लोग क्या हो गया आज तुमको, मतलब जैसे जैसे वीकेंड आता है ना, जैसे जैसे वीकेंड आता है, जैसे जैसे वीकेंड आता है, क्लोज आता जाता है, बच्चे क्या है पता नहीं क्या हो जाता है कि यार वेट करते हैं संडे कब आएगा। अरे यार जिस दिन आरबीटीएस होता है वो आपका वीकेंड ही मानो, जिस दिन आरबीटीएस होता है वो आपका वीकेंड ही मानो, उस दिन ऑफ ही रहता है, ठीक है? तो बाकी आपको पढ़ना ही होता है, समझ गए? वीक में है ना, वीक में कम से कम तुम्हें है ना मतलब दो दिन का ऑफ मिल जाता है, दो दिन का क्लासेज से ऑफ मिल जाता है। बात पहले पड़ गई, चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है सर? चले, अभी तक भी मतलब लोगों ने अपडेट नहीं किया कि भैया हुआ कि नहीं हुआ। बड़े यार तुम कंजूस आदमी हो रहे, बड़े ही कंजूस इंसान हो, मतलब तुम्हें मास्टर से तो सब कुछ पढ़ना, मास्टर से तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना, मास्टर कुछ भी ना छोड़े मतलब मास्टर तो तुम्हें ना एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाए, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ाए, और जब मास्टर बोलता है कि बेटा कमेंट में बताओ क्या हो गया, मास्टर हमसे नहीं होता, अबे बावले कम से कम रिप्लाई तो करो यार। बात समझ में आ गई? मास्टर का एनर्जी लेवल किस पर डिपेंड करता है? बच्चों पर। अगर बच्चा रिप्लाई करता है प्रॉपरली कमेंट बॉक्स में तो मास्टर को लगता है कि हाँ यार बच्चों को समझ आ रहा है, तो मास्टर और ज्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाता है और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। अगर तुम लोग है ना टाइम पे कमेंट नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, तुम ऐसे हो जाओगे तो मास्टर भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है यार पढ़ा के नक्की करो, फॉर्मेलिटी करेगा। बात पल्ले पड़ गई? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ एनर्जी लाओ। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, जिंक और कॉपर की बात हो चुकी है, जो आप लोगों से मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कि क्या बनेगा और क्या निकलेगा, ठीक है सर? अब आ जाओ सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक बात का डिस्कशन करते हुए चलते हैं कि हमसे और क्या पूछ सकता है, हमसे और क्या पूछ सकता है, ठीक है सर? तो ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना, अगली मैं रिएक्शन लेके आ रहा हूं बेटा मेरे आयरन की, अगर आयरन की रिएक्शन मैं फटाफट लिखते हुए चल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो, मेरे आयरन की रिएक्शन को अगर तुम डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो, मेरे आयरन की रिएक्शन को मेरे बच्चा अगर तू वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाता है, सब बच्चे जानते हैं आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो जो प्रोडक्ट आपके यहां पर बनते हैं, यहां पर सुन लेना भैया, पहला प्रोडक्ट जो बनता है फेरिक और गैस निकलती है NO2, यहां पर बनता है बेटा फेरस, यहां पर प्लस टू में प्रोडक्ट बनता है गैस बनती है N2O, यहां पर भी बनता है बेटा आयरन का प्लस टू और यहां पर गैस नहीं सर, क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, क्लियर है? ये आपके आयरन की रिएक्शन से होती है, बहुत काम की है सर, ठीक है? उसके बाद सुनना, उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा आपके मर्क्यूरी को। आप जानते हो मर्क्यूरी की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम, सबको पता होना चाहिए मर्क्यूरी की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम। अगर कम होती है तो सबसे पहला किसकी बात करोगे बच्चा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की। बच्चा यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, HgNO3 होल ट्वाइस मर्क्यूरिक और साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है, NO2, ठीक है बच्चा? फिर बेटा अपन क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करवाते हो, तो यहां पर मेरे बच्चे क्या बनता है, मर्क्यूरिक नहीं मर्क्यूरस बनता है और साथ में गैस कौन सी बनती है, N2O। और लास्ट एंड फाइनल बेटा अगर आप लोग वेरी डाइल्यूट को यहां पर यूज करना चाह रहे हो, वेरी डाइल्यूट HNO3 को लेना चाह रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। रीजन आपको पता ही है, सब चीजें आपको बता रखी है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, उसके बाद देखो मैंने है ना लेस रिएक्टिव मेटल वाले एग्जांपल में पीबी को लिखा था। पीबी वैसे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन इसके रिएक्ट करने का जो ट्रेंड होता है वो अलग होता है। तो आ जाओ भैया पीबी को आप लोग है स्टार मार्क करके याद रखोगे। अगर पीबी जो होता है वो आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ लेके आते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेड का नाइट्रेट बन जाता है और NO2 गैस बन जाती है। बेटा अगर आप लोग यहां पर डाइल्यूट HNO3 लेके आते हो, तो क्या बन जाता है, लेड का नाइट्रेट बन जाता है और साथ में N2O निकलता है। निकलना N2O था लेकिन निकलता क्या है, NO। बात पहले पड़ गई?
सर ये होता है ज्यादा रिएक्टिव लेकिन काम करता है लेस रिएक्टिव के हिसाब से, तो लेस रिएक्टिव के प्रोडक्ट याद रखना। और अगर अपन बात करते हैं किसकी बेटा, वेरी डाइल्यूट की, वेरी डाइल्यूट HNO3 को लेके आते हो तो यहां पर क्या होता है मेरे बच्चों, रिएक्शन नहीं होता, यहां पर रिएक्शन नहीं होता। अगली बात सुन लेना, अगली बात सुन लेना, बात करते हैं बेटा टिन की, बात करते हैं किसकी, टिन की। अगर मैं टिन की बात करता हूं तो ध्यान से सुन लेना, टिन जो होता है, अगर आप टिन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो तो बेटा ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, H2SNO3, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। ये जो H2SNO3 मिलता है इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टैनिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेटास्टैनिक एसिड। क्या बोल देते हैं, मेटास्टैनिक एसिड। क्लियर, सॉरी। अब सुनना अगली बात, अपन कहते हैं कि अगर आप लोग इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दो या फिर मेरे बच्चों वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दो, दोनों के साथ ये प्रोडक्ट क्या देता है, सेम प्रोडक्ट देता है। कैसे, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या बनता है, SnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, तो अपन इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि इधर हो सकता है स्क्रीन कट हो जाए, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहां पर बन जाता है। क्लियर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बातें आपसे कई बार बेटा पूछी भी जाती हैं और कई बार एग्जामिनर इन पर चर्चा भी करता है। ठीक है, चलिएगा फोटो खींचो बेटा, चलिएगा फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फोटो तो खींचो, फोटो तो खींचो, जल्दी से तो खींचो। जल्दी जल्दी फोटो खींचो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, जल्दी से फोटो खींचो और डन बोलो। शाबाश बेटा परीक्षा, इस बार सबसे पहले आपने जवाब दिया है, मतलब एक्टिव हो गए हो। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। हाँ भाई, बाकी लोग, बाकी जनता, हाँ भाई फोटो तो खींच ली, बहुत बढ़िया बेटा फोटो तो खींच ली, बहुत अच्छे आपने फोटो खींची, बहुत अच्छा लगा सर आपने फोटो तो खींची। चलिएगा सर अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। लो सर आप लोगों के पास और क्या क्या रिएक्शन होती हैं उनकी भी मैं यहां पर चर्चा कर लेता। ये तो मेटल के साथ रिएक्शन हो गई, मेटल की कहानी को हमने क्या कर दिया है, निपटा दिया है। ठीक है, इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिंक, कॉपर और लेड है, जिनके बारे में एग्जामिनर बात करता है और मोस्ट ऑफ टाइम जिंक और कॉपर पर ही क्वेश्चन आया है, जिंक और कॉपर पर ही क्वेश्चन आया है, फिर भी हम लोग जो है इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सुनना अगले पॉइंट की बच्चों बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सा है। पॉइंट क्या है वो सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब बात करेंगे आगे की, किसकी, तो अपन कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उसकी रिएक्शन आप लोग नॉन मेटल के साथ करवा देते हो तो बच्चों क्या क्या प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सुनते जाना बेटा, अपन यहां पर बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, किसकी बात करेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग यहां पर बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो बेटा इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू NO2, खुद किस में चला जाता है बच्चा, NO2 में चला जाता है, खुद किस में चला जाता है, NO2 में चला जाता है। ठीक है, अब सुनना, अब अपन क्या कहते हैं कि यार हम क्या क्या यूज करेंगे, हम क्या क्या यूज करेंगे और कौन कौन सी रिएक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, सुनना, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन सा लिया, फास्फोरस, तो फास्फोरस को ये बदल देता है किसमें, H3PO4 में, फास्फोरिक एसिड में। बेटा अगर आप लोग सल्फर यूज करते हो तो सल्फर को यूज कर रहे हो तो ये बना देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा अगर यहां पर आप लोग आर्सेनिक यूज करते हो तो ये क्या बना देता है, तो अपन कहते हैं कि H3ASO4 एक एसिड बना देता है। अगर बेटा आप सिलिकन यूज करते हो तो ये क्या बना देता है, सिलिसिक एसिड H4SiO4 जो है वो यहां पर बना देता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं,
अगर आप लोग आयोडीन यूज करते हो तो ये क्या बना देता है बेटा, HIO3 जो है वो बना देता है आयोडिक एसिड बना देता है। ये सारे प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो, ये कौन से एसिड है बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऑल आर एक एसिड, क्लियर, ये प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। ठीक है, आगे सुनना। अगर बच्चा आप लोग जो है वो, चलो यहीं पे नॉन मेटल को ले आते हैं ना, अगर आप कार्बन को यूज करते हो बट कार्बन का कौन सा फॉर्म, तो अपन क्या कहते हैं चारकोल यूज करते हो, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में, ये भी क्या होता है कार्बोनिक एसिड, और ये एक एसिड आपके पास बन जाता है। बेटा अगर आप कार्बन यहां पर ग्रेफाइट यूज करते हो, अगर आप कार्बन ग्रेफाइट यूज करते हो तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C6COOH6, इसको बोलते हैं मैलिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिटिक एसिड जो है वो यहां पर आपके पास बन जाता है, मैलिटिक एसिड बन जाता है। अगर मेरे बच्चा, अगर आप लोग डायमंड को यूज करते हो, आप जानते हो डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है और ये रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ही आसान है। अगली बात सुनना, आगे की रिएक्शन यहीं पे लिखा देता हूं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, अगर मेरे बच्चे आप लोग इसको यूज करते हो तो ये किसमें चला जाता है, इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू NO2 में चला जाता है। रिएक्शन आसानी से याद हो जाती है, कोई मुद्दे की बात नहीं है। अपन यहां पर क्या कहते हैं कि अगर आप लोग H2S यूज करते हो तो इसको किसमें ले जाता है, सल्फर में, और ये जो सल्फर बनता है इस सल्फर को बोलते हैं कोलोइडल सल्फर। क्या बोलते हैं, कोलोइडल सल्फर। बेटा अगर आप लोग SO2 यूज करते हो तो SO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, SO4-2 में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। सिमिलरली अगर यहां पर आप लोग जो है वो C12H22O11 में को यूज करते हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है बेटा COOH, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। तो आ जाइएगा सर, फटाफट से नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इसके 2 मिनट के होते हैं, रिएक्शन में कोई बड़ा लोचा नहीं होता, बस उसके बेसिक प्रिंसिपल को ही सीखना होता है, बाकी चीजें तो बहुत आसान होती है, बाकी चीजें तो बहुत आसान होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, डन बोल दो, आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी अपडेट कर दो बेटा कि डन हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, आपको और आगे ले चलूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बच्चे फटाफट से फोटो खींचे और फोटो खींचकर उन्होंने जवाब दिया है डन सर, डन सर, डन। तो चलो बेटा, जब आपने डन बोल दिया है तो मास्टर आगे चलता है, तो मास्टर आगे चलता है, ठीक है, मास्टर आगे चलता है। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं उस पॉइंट को भी ले लेते हैं। अब HNO3 को जो है वो खत्म करते हैं, क्योंकि सारे रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं, बेसिक पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और आसानी से पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ा है, ताकि हम याद कर पाए सर चीजों को, ठीक है। अगर घास काटनी है तो घास नहीं काटेंगे, आराम से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, आराम से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा सर मेरे बच्चों, अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी मैं बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों क्या है वो सुनना, देखो सर ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने। पॉइंट नंबर 1 सर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये 2 मेटल हैं, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज है। आप लोग इनकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, सॉरी वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, कौन सा 2% वाला,
तो ये कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अभी तक किसी ने हाइड्रोजन गैस नहीं निकाला था, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। ये छह मेटल हैं बेटा। अगर अपन इनकी रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, तो अपन कहते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, बिकम्स पैसिव। क्या बन जाते हैं? बिकम्स पैसिव। इसके कारण तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर क्या बन जाती है? ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं बेटा, बिकम्स पैसिव। पैसिव का मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है? निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। ये क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों? निष्क्रिय हो जाते हैं। ये आगे जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगली बात सुनना। अब देखो सर, एक और पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या होता है? नंबर थ्री, आप लोग एक बात जानते हो, आपकी जो स्किन है उस स्किन में क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि आपकी जो स्किन प्रोटीन है, बच्चों सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्किन प्रोटीन जो होती है, अगर आप लोग इसकी रिएक्शन 70% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा देते हो, तो ये स्किन प्रोटीन किस में चला जाता है? जेंथो प्रोटीन में चला जाता है। किस में चला जाता है? जेंथो प्रोटीन में चला जाता है। और बच्चा, ये जो जेंथो प्रोटीन होता है, जेंथो प्रोटीन का कलर जो है वो कैसा होता है, तो अपन क्या कहते हैं? येलो कलर होता है। बात पल्ले पड़ गई? क्लियर है? सिंपल है। ये किसके कारण होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं कि मान लो अगर आपके हाथों पर नाइट्रिक एसिड को लगा दिया जाए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लगा दिया जाए, तो आपके हाथों की जो स्किन है उसकी जो प्रोटीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है जेंथो प्रोटीन में, और उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। तो आपके जो हाथ हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जो जेंथो प्रोटीन है वो ये काम कर देता है। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे कि सर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, स्किन कलर बिकम्स येलो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ स्किन प्रोटीन इनटू ज़ेंथो प्रोटीन। क्लियर है सर? ये सिंपल सी कहानी आपके पास होती है, ये नाइट्रिक एसिड का खेल होता है। क्लियर सर? तो फटाफट से फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आगे बढ़ो, अपन बात करते हैं। चले बेटा, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी अपडेट करो, क्या हो गया?
अरे बोलो रे। चले बेटा आगे। चलो डन, फोटो खींच लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। ये आपका नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का जो खेल है वो क्या है, यहां पर कंप्लीट है। नाइट्रिक एसिड की सारी सिचुएशन, सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी है, तो नाइट्रिक एसिड में कुछ भी अब बाकी नहीं है। आप लोग आराम से नाइट्रिक एसिड का एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, उसमें जो बातें हैं वो सारी बातें मैंने यहां पर मेंशन कर दी, एक एक बात आपको समझा दी है, तो आप लोग ढंग से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड कर सकते हो। ठीक है सर, अब सुनना, अब सुनना, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। आगे की बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनना। अब मैं आपके पास एक नया पॉइंट लेके आ रहा हूं, और वो जो नया पॉइंट है वो क्या है बेटा, तो अपन क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट है एक्वा रेजिया। क्या है बेटा, एक्वा रेजिया, नवा पॉइंट लेके आ रहे हैं, और वो जो नवा पॉइंट है वो क्या है, एक्वा रेजिया। ओके, अब सारे लोग जो है वो केयरफुली सुनना और बात को समझना कि सर व्हाट इज एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया एक्चुअल में है क्या, एक्वा रेजिया एक्चुअल में है क्या, उसकी अपन यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो सुनना। आप लोगों ने है ना मेटल सुने होंगे, दो मेटल होते हैं, उन मेटल की अपन बात करते हैं। वो दोनों मेटल क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि एक तो होता है गोल्ड और दूसरा कौन सा होता है, प्लैटिनम। इन दो मेटल के बारे में आपने सुना होगा, बोथ आर नोबल मेटल, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नोबल मेटल्स होते, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नोबल मेटल। मेरे बच्चे नोबल मेटल का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नोबल मेटल का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। बात पहले पड़ गई, यानी कि आप कोई भी रिएजेंट ले आओ, आप लोगों का गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। तो बात ये आती है कि गोल्ड और प्लेटिनम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर रिएक्ट्स, ध्यान से सुनना, गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट्स ओनली विद एक्वा रेजिया। ओनली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब बात ये आती है कि सर व्हाट इज एक्वा रेजिया, अब बात ये आती है कि एक्वा रेजिया जो है वो होता क्या है। तो सुन लो बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर एक्वा रेजिया क्या है, तो बहुत सिंपल सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर आपके पास वन पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में थ्री पार्ट्स क्या होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों का एक्वा रेजिया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यहां पर है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और HCl दोनों क्या है, 1:3 में क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ये भी आप ऐसा बोल सकते हो, 1:3 बोल दो या 1:3 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होता है, HNO3 जो होता है, ध्यान से सुनना बेटा, HNO3 जो होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, यहां पर बनाता है H2O, साथ में क्या बनाता है, NOCl, और साथ में आपको क्या देता है मेरे बच्चे, नेसेंट क्लोरीन जो है वो प्रोवाइड करता है। क्या देता है मेरे बच्चे, नेसेंट क्लोरीन जो है वो क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, रिएक्शन। अब आप लोग क्या करते हो, एक्वा रेजिया में, ध्यान से सुनना, ये इसमें रिएक्शन होती है, एक्वा रेजिया में आपने गोल्ड को डाला, और गोल्ड को डालोगे तो सबसे पहले आप लोगों का ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन करके बच्चा क्या बना देता है, AuCl3। क्या बना देता है, AuCl3। क्यों, क्योंकि गोल्ड का +1 और +3 दोनों बनते हैं, +3 जो है वो मोर स्टेबल होता है। आगे क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपका जो HCl है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है AuCl4-1, और यहां पर क्या आ जाता है, H+, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा। ये एक एसिडिक कॉम्प्लेक्स होता है,
और यहां पर क्या होता है तो अपन कहते हैं कि ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहां पर क्या हुआ है कि आप लोगों का जो सीएल माइनस है वो क्या होता है यहां पर अटैक करता है और एज ए लिगेंड अटैक क्या करता है अटैक करता है। तो इस टाइप से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन मेरे बच्चे अपन क्या करते हैं प्लैटिनम की बात करते हैं। प्लैटिनम की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये अटैक करता है और क्या बन जाता है मेरे बच्चे PtCl4 बन जाता है। ये PtCl4 जो है उस पर दो HCl अटैक करते हैं क्योंकि प्लैटिनम जो है वो 6 बॉन्ड या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो शो कर सकता है। तो यहां पर मेरे बच्चे आपके पास प्रोडक्ट बनता है PtCl6, चार्ज कितना आता है -2 और यहां पर क्या होता है H2PtCl6 क्लियर है। ये भी क्या होता है बच्चों यहां पर एक सोल्यूबल कंपाउंड जो है वो बन जाता है क्लियर है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो दोनों के दोनों एक्वारेजिया में बच्चों क्या हो जाते हैं सोल्यूबल हो जाते हैं। ये कहानी होती है एक्वारेजिया की। इसी के साथ आपका नाइट्रिक एसिड और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों फिनिश होते हैं। एक्वारेजिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नाइट्रिक एसिड को मैंने इतना स्लोली इसीलिए पढ़ाया है, ये मेरा तरीका नहीं है इतना स्लो पढ़ाने का, लेकिन इतना स्लो इसलिए पढ़ाया कि बच्चा पहली बात क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत यूजफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पल्ले पड़ गई, इसलिए हम लोग इतना स्लोली चले हुए। तो फोटो खींचो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हो गया सबका, सारे बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, हो गया फोटो खींच ली, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो रे, फोटो खींच ली। अरे बेटो अभी कई बच्चों के जवाब नहीं आए हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हाँ, कुछ बच्चे बहुत धीरे चल रहे हैं भाई, बहुत धीरे जवाब देते हैं यार। रोहित प्रेक्षा बेटू जल्दी जवाब दिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी हम लोग बात करते हैं, एक नवा रिएजेंट हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो H2SO4। ठीक है, H2SO4 आप लोग इसको ऑयल ऑफ विट्रियल भी बोल सकते हो, ठीक है, कई नाम और दिए जाते हैं इसको। तो कोई अब बच्चों वाली बातें हो जाती है कि भैया फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया ये इसको बोलते हैं, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी बातें कुछ नहीं पूछता। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि सर सबसे पहले बेटा हमें जो बात करनी है वो क्या है प्रिपरेशन मैथड। ठीक है, प्रिपरेशन मैथड की बात करते हैं मेरे बच्चे। यहां पर प्रिपरेशन मेथड जो है वो दो काम में लेने हैं। कौन कौन से? नंबर वन, पहला प्रिपरेशन मेथड,
नंबर वन, पहला प्रिपरेशन मेथड वो क्या है, एनसीईआरटी का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संपर्क विधि, क्या बोलते हैं, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चों जो होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लेड चेंबर मेथड, क्या होता है, लेड चेंबर मेथड। दोनों की वन बाय वन बात करते हैं, दोनों की वन बाय वन बात करते हैं और दोनों को हम लोग सिमल्टेनियसली यहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सिमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट सर, यहां पर ए रिएक्शन की मैं बात करता हूं, आप लोग क्या करते हो, सल्फर को बर्न करते हो और आपको क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां पर सल्फर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर भी क्या किया जाता है, सल्फर को बर्न किया जाता है और आप लोगों को क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। बच्चा बोलेगा मास्टर क्या कर रहे हो, दोनों में पहला प्रोसेस सेम ले रहे हो, कोई बात नहीं, आगे दिक्कत आ जाएगी, आगे समस्याएं आ जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आ जाओ, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि अगले स्टेप में, अब सुनना भाई, अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो SO2 बनता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है और क्या बन जाता है, SO3, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर भी मेरे बच्चों क्या करवाया जाता है, SO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है और आपके पास क्या बन जाती है, SO3, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बच्चा फिर बोलेगा मास्टर कोई तो चेंज नहीं आया, क्या कर रहे हो, आ गया चेंज, यहीं पे है मेरे बेटे, यहां पर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 को यूज किया जाता है। यहां पर मेरे बच्चों जो यूज किया जाता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये दोनों रिएजेंट यूज किए जाते हैं और दोनों प्रोसेस क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा सुनना, अब सुनना, अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है और हमें क्या क्या बातें करनी। पहला पॉइंट सर, ये जो SO2 आप देख रहे हो, ये जो SO2 दोनों में यहां पर बन रहा है, इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसकी मैं बात कर लेता हूं। अपन क्या कहते हैं कि सर SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड, SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ FeS2। FeS2 क्या होता है, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड का मतलब क्या होता है, मूर्खों का सोना, ठीक है। गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो कलर का, गोल्डन येलो देखा होगा। ये जो FeS2 होता है एक मिनरल होता है, ये भी क्या होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, ये दूर दिखता है चमकता हुआ, पहाड़ों में पड़ा दिखता है, तो लोग क्या समझते हैं कि यार वहां पे क्या है, सोना, और लोग बेहिसाब वहां पे लग जाते हैं। तो इसलिए पुराने टाइम की बातें हैं, अब तो नहीं होता, अब तो लोग बहुत समझदार हो गए हैं। तो क्या होता था कि लोग ऐसा समझते कि यार पीला है तो सोना है, कोई भी पीली धातु, पीली चीज जो है वो सोना हो सकती है, ऐसा वो पहले मानते थे, है ना। तो अपन क्या बोल देते हैं कि चलो मान लिया, फिर क्या होता है कि इसका नाम क्या पड़ गया, फूल्स गोल्ड, क्योंकि ये सोना तो था नहीं, इसलिए आप लोग इसके ऑक्सीडेशन से भी इसको ले सकते हो, ठीक है। आगे चल के आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, मेटलर्जी नाम से एक चैप्टर आता है, उसमें क्या होता है, रोस्टिंग प्रोसेस होता है, 10th क्लास में सबने पढ़ा है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो वहां पे क्या होता है बेटा, SO2 गैस निकलती है, तो उस SO2 गैस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। क्वेश्चन यहां से आता है कि सर आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसकी फेवरेबल कंडीशंस बता दो, क्या बता दो, फेवरेबल कंडीशंस। तो देखो सर, आप लोग ये जो देख रहे हो, ये रिएक्शन जो होती है ये कैसी होती है, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ये रिएक्शन जो है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो कि कोई भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं उसके लिए फेवरेबल कंडीशन की बात करता हूं, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल मेरे को क्या बोलता है मास्टर, कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर। तो पहला फेवरेबल कंडीशन क्या आता है, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर मेरे बच्चे कितना लिया जाता है, 720 केल्विन। बच्चा बोलेगा कि सर ये लगभग कितना हो गया, सर ये 500 के आसपास का टेम्परेचर हो गया, 500 के आसपास का हो गया, लगभग 450 के आसपास का हो गया। मास्टर 450 तो बहुत ज्यादा होता है बेटा, तू तेरे रेस्पेक्ट में देख रहा है कि तेरे को चाहिए भैया 20, 25, 30,
50 होते ही तो अपनी हालत खराब हो जाती है, जैसे आजकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अपन क्या कहते हैं कि हालत खराब हो जाती है। आप अपने रेस्पेक्ट में मत देखो, रिएक्शन की प्रोग्रेसिव जो कंडीशन है उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को देखा जाता है कि वो लो है या हाई है। क्लियर। दूसरा, यहाँ पे अपन प्रेशर की बात करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दूं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, तो आप क्या बोलते हो, ये यहां पर बेटा देखो कितना मोल है, तो आप क्या बोलोगे, 1.5 मोल। और बेटा प्रोडक्ट कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। आप लोग एक बात जानते हो, आप लोग बेटा एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि सर अगर ली चेटलियर कहता है कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन जो है वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्शन में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। सो दैट अपन क्या कहते हैं कि यहां पर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो टेम्परेचर के बाद प्रेशर कैसा चाहिए, हाई प्रेशर। और बेटा यहां पर हाई प्रेशर कितना लिया जाता है, 2 bar, कितना लिया जाता है, 2 bar। क्लियर है, ये कंडीशन होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो सारा खेल हो गया इसका। आपका जो SO3 बनता है बेटा, SO3 बनता है, इस SO3 को किस में डालते हैं, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो ये क्या बना देता है, H2S2O7, क्या बना देता है, H2S2O7। ये जो है ये क्या बन जाता है, ओलियम। ये क्या बन जाता है, ओलियम, या फिर मेरे बच्चा आप लोग इसको नाम दे सकते हो फ्यूमिंग। आप लोग इसको नाम दे सकते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4। क्लियर। अगली बात सुनना, ये H2SO4 जो है वो आप लोग क्या करते हो, अगर आपको क्या चाहिए होता, ध्यान से सुनना, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो आप लोग इसको वाटर दे सकते हो, और वाटर देते हो तो ये क्या बना देता है, 2H2SO4, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल जाता है। क्लियर है। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से आप लोग क्या लेते हो बेटा, ओलियम लेते हो, और ओलियम को आगे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है इसके प्रिपरेशन की कहानी। फोटो खींचिएगा, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचिएगा, आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचिएगा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी फोटो खींचो। हो गया भाई, चलो डन, ओके बेटा। चलो सर, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। अब सुनना, कल जब अपन आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 1 साथ में लेके बैठना, क्योंकि कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है वो मैं एनसीईआरटी में आगे एक डायग्राम है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम्हें जो है वो अगर डायग्राम बेसिस कोई क्वेश्चन मिलता है तो तुम गलती ना करो बेटा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ये क्या हुआ?